क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे शुभम नेगी पिछले 12 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सोलन के क्रिकेट प्रेमी शुभम को अपना आदर्श भी मानते हैं। शुभम की तरह वो भी प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। कई खिलाड़ियों का शुभम आवश्यक मार्गदर्शन भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुभम कड़ी मेहनत और अच्छे प्रदर्शन के दम पर रणजी कैंप में भी भाग ले चुका है और जिला सोलन से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी भी शुभम नेगी ही है। इस प्रदर्शन को देखकर क्रिकेट कोच समेत सोलन के सभी खिलाड़ियों को आस थी कि शुभम का चयन रणजी ट्रॉफी के लिए होगा, लेकिन अफसोस शुभम का चयन रणजी के लिए नहीं हुआ है, जिसके चलते उसके पास निराशा ही हाथ लगी है। क्रिकेट खिलाड़ी शुभम नेगी ने कहा कि जब वह 13 वर्ष के थे तब से हिमाचल के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेलों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 8 बार हिमाचल की ओर से वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं खेल चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने रणजी कैंप में भाग लिया था, जिसमें उन्हें काफी अच्छे रन भी बनाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे रणजी के लिए चुने जाते, क्योंकि उन्हें प्रदेश के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि वे केवल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, चयन करना या ना करना ये चयनकर्ताओं के हाथ में है। उन्होंने कहा कि शायद उनमें कोई कमी रह गई होगी कि तभी उन्हें चयन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि वे रणजी टीम में अवश्य अपना नाम लिखें, जिसके लिए वे जरूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं सर खेल चुका हूँ, नेशनल हिमाचल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 के लिए हिमाचल रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और सर इसी बीच जो है मैं मतलब हर स्टेट में खेल चुका हूँ, क्योंकि हमारा क्या रहता है कि हर मैच सर अलग स्टेट में होता है। जैसे मान लो मुंबई के साथ मैच है तो मुंबई में मैच होगा या फिर हिमाचल में होगा, तो इसलिए मैं सर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया खेल चुका हूँ सर। मैं अभी रिसेंटली रणजी ट्रॉफी का जो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है T20 का, उसका कैंप अटेंड किया है जो लेटेस्ट किया है, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा प्रैक्टिस मैचेस जो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था, डिसअपॉइंटिंगली मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा, बट होपफुली शायद नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आऊँ टीम में। हाँ जी सर, मेरा जो अभी लेटेस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ था 2019-20 का, उसमें सोलन से हाईएस्ट स्कोरर था मैं सर। मेरे 2 सेंचुरीज थी और 2 हाफ सेंचुरीज थी, और मेरे जो रन थे ऑलमोस्ट 460 अराउंड रन थे मेरे सर।